हेलो दोस्तों, हम आज बनाने जा रहे हैं एक यूनिक रेसिपी। वैसे तो आपने डोसा बहुत प्रकार का खाया होगा, लेकिन इसे हम पिसे हुए चावल के आटे से बनाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही अच्छा सा डोसा हम तैयार करेंगे। अब आप बोलेंगे कि चावल के आटे से कैसे डोसा तैयार होता है, तो चलिए देखते हैं कैसे तैयार होता है। हमने एक बर्तन लिया है और उस बर्तन में हमने जो कुछ भी मेजरमेंट रहता है उस मेजरमेंट से हम चावल का आटा नाप के डाल देंगे। दो वाटी, दो कटोरी, किसी भी बर्तन से नाप के हमने दो वाटी तक चावल का आटा लिया है। वहीं पे हमने आधा वाटी गेहूं का आटा भी इसमें ऐड किया है और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल के और पानी डाल के इसका हम पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। और घोल आप देख सकते हैं यह कितना पतला सा है और इसमें अभी हम कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं। और जब यह घोल तैयार हो जाएगा तो उसे हम 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इसलिए रख देंगे कि चावल का आटा जो है वह थोड़ा सा नरम पड़ जाए। उसके बाद यह जो डोसा है इसमें हम सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा सब्जी का प्रयोग नहीं किया है, मैंने सिर्फ कटा हुआ प्याज, चिली फ्लेक्स, हरा धनिया और हरी मिर्च, जैसे कि अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च, गाजर, यह सब का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बिल्कुल आराम नहीं करेंगे और ना इसमें हमने इनो इस्तेमाल किया है। अब हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हम डोसा के तवे की तरफ चलते हैं। यह तवा को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और गर्म पानी का छींटा लगाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा तवा जो है खूब ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा और खूब ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा, उससे हमें उसका टेम्परेचर का पता चलेगा। और उसके बाद जो हमने घोल तैयार किया था वह घोल को हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा कठिन है डालना, लेकिन कैसे हम डालते जाएंगे और वह उसी हिसाब से फैलते जाएगा। और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। अब आप देख सकते हैं यह जो हम दूसरा डोसा तैयार कर रहे हैं यह फैलाने में, क्योंकि इसे हम दवा के फैला नहीं सकते, इसे हमें इसी प्रकार से फैलाना है और किनारे से इसे हमें ऐसे ही उठाना है। और यह डोसा जो है बहुत ही टेस्टी तैयार होता है और बहुत ही झटपट सा तैयार हो जाता है। जैसे हमें कभी भी ऐसे छोटी मोटी भूख लगे, चाहे कुछ भी ऐसे खाने का मन हो, तो हम यह चावल के आटे से डोसा बहुत झटपट सा तैयार कर सकते हैं। आपको यह डोसा कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब हमारा चटाकेदार डोसा सर्व करने के लिए तैयार है। ग्रीन चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा।